आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठ कर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अम्मी की चारपाई बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी थी, अम्मी इसको अब कस रही हैं। सब्जी भी ले आई हमने, यहाँ पे जी मूंगरे। हाँ जी, गैस का बिल भी भर दिया, वो भी भर आई हमने। अब्दुलात का सूट स्लिंग कर दिया। हाँ जी, नहीं आ रही। मूंगरे बनाना ना थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है, क्योंकि छोटे छोटे मूंगरे होते हैं और उनकी दोनों साइड से उनके जो कोने होते हैं ना वो उतार के छिलके होते हैं, यानी कि वो उतार के साइड पे रखने होते हैं, वो कचरा होता है। और जो दरमियान वाला जो मूंगरा होता है उसको फिर इस तरह से छोटा छोटा काटते हैं। तो हम लोग तो इस तरह बारीक काट काट के पकाते हैं, कुछ लोग तो इसको कुंडी डंडे से पीस के पकाते हैं, और जो वो मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ, और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें आबाद हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, घर में थोड़ी टेंशन बन जाती है, एक ख़त्म होती है तो दूसरी टेंशन। अब पहले ये है कि बाइक मेरी वो हो गई थी ना, मतलब चल नहीं रही थी, तो इसकी बैटरीज चेक की तो वो बैटरी डेड हो गई हैं, वो लेनी पड़ेगी फिर बाइक ठीक होगी। उसके बाद कल परसों जो है मेरे मोबाइल को कुछ हो गया था, मोबाइल लग रहा था कि ख़राब हो गया है, पूरा दिन मोबाइल ऑफ ही रहा, ऑन ही नहीं हो रहा था, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके जी ऑन हुआ। और अब हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग नहीं कर रहा, पता नहीं उसको क्या हो गया है। हमने उसको ऑन किया, 2-3 घंटे चल रहा है, लेकिन मतलब आवाज़ आ रही है, करंट भी आ रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। फिर हमने बंद कर दिया, फिर हमने आज दोबारा उसको ऑन किया तो फिर भी वही कर रहा है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में, अल्लाह खैर करे। चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो रही हैं आजकल हमारी। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, और ये ज़ारा को देखो कहाँ जा रही हो, खड़ी हो जाओ। और ज़ारा के इधर आ, इधर आ। हाँ जी बोलो, सलाम नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देखने आई थी? हाँ ज़ारा, आप लोग दुआ करो चल जाके, क्योंकि आप लोगों ने भी तो रखनी होती हैं चीज़ें। ये देखो, ये अब्दुल्ला का काम देखो, साइकिल अंदर खड़ी कर दी, और खड़ी भी नहीं की बल्कि ऐसे ही फेंक के चला गया है। तो वह लड़का सुनता नहीं है। आप लोग जी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करते हैं। सब्जी मैंने बना लिया, तो फिर थोड़े ठहर के ही मैं बनाऊँगी किचन का काम, सालन वगैरह थोड़ी 4 बजे शुरू करेंगे। जी चैनल को सब्सक्राइब करने जुड़े रहिए साथ साथ। ये फ्रिज को अम्मी ने साफ किया है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली जिंदगी अल्लाह पाक दे। आमीन आमीन। जो बीमार है उनको शिफा दे, जो भी औलाद है उनको अल्लाह पाक औलाद दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, कल घर आ गए थे तो आज फ्रिज खोले, मैंने कहा उसको कूलिंग लगा रखती हूँ, लगाया तो कूलिंग ही निकाल रहा, इतनी परेशानी हुई बैठी, आगे से रोजे आ रहे हैं माह रमजान जी, तो मैंने कहा चलो कोई चीजें बना के रख देंगे, सब्जियां वगैरह, अदरक लहसुन, लेकिन फ्रिज है कि अभी चल नहीं रहा। देखो अब बनाने वाले को बुलाएंगे, देखो वो क्या कहता है। हाँ जी, फ्रिज करे चल पड़े, फ्रिज जरा मैला हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा कि मतलब बुलाएंगे ना, बनाने वाला बंदा आएगा। वैसे भी साफ था, मैंने कहा चलो और साफ कर दूं। हाँ, तो उसको जरा सोच रहे थे इसको सारे को साफ करके अंदर चीजें रखेंगे,
लेकिन अब अल्लाह करे चल पड़े बस। हाँ जी, अल्लाह करे चल जाए। अभी ये रमजान में रोजों में ठंडा पानी पीना है, सब्जी आटा रखनी होती है। अल्लाह करे ये लगाएं तो ऑन करें तो फिर चल पड़े। पता नहीं बिजली ज्यादा आई है, क्या मसला बना है हमारा, इतना इस्तेमाल ही नहीं। सर्दियों में तो ज्यादा बंद ही रहा है, कभी कभी एक आधा घंटा चला लेते थे, वैसे तो बंद ही रखा है। बस देखो दुआ करें अल्लाह करे ठीक हो जाए। फ्रिज को किया साफ, अब इधर फिर इसको चला के देखते हैं, अल्लाह करे चल जाए। ऐसे जाएगा ना? हाँ जी ऐसे ही लगेगा ये। ये मेरे से भी बड़ा मुश्किल लगता है, यहाँ पे पता नहीं कैसे जंग लग गया ये तो, इन जगहों पे पानी गिरता रहता है शायद बर्फ सारा, ये जंग लग गया। इसका बटन भी इसका खराब हो चुका है जो लाइट होती है इसमें। बटन तो चलो खैर है, कूलिंग करे बस। अल्लाह करे कूलिंग कर ले, कोशिश तो करते हैं अल्लाह मालिक है। आवाज आती है चलने की, लेकिन चलता है लेकिन कूलिंग नहीं होती, कूलिंग नहीं होती। ये तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं। सब्जी वगैरह बना ली है, अब अंदर चलते हैं और बनाते हैं खाना। मूंगरे और आलू और एक पाव चिकन मंगवाया है मैंने, कहा जरा आज जायका अच्छा बन जाएगा। और फ्रिज को मुझे परेशानी लगी, वो नहीं हुआ, कूलिंग नहीं हो रही। 2 घंटे हो गए लगाए को, अभी तक कूलिंग नहीं हुई, तब बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा बीमार रमजान आ रहा है तो ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई आटा बचता है जो चीज़ बंदा रख देता है, अल्लाह करे ठीक हो जाए। चलो कल बंदे को बुलवाएंगे, देखेंगे वो क्या कहता है। अगर गैस खराब हो गया तो वो तो ज़्यादा पैसे लेते हैं। देखो कोशिश करें, अल्लाह करे जो थोड़ा सा कोई नुक्स हो, मुझे बनाने वाला आए तो कहीं थोड़ा सा ही नुक्स है कोई। बहुत टेंशन लगी बैठी है, ऐसा आप दुआ करना हमारा फ्रिज सही हो जाए। चलते हैं अंदर, फिर सालन बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। अच्छा आजकल मौसम ऐसा ना कि मतलब सर्दी ऐसी वाली है कि एंजॉय करने वाली सर्दी है। इतनी अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़ा प्यारा सा मौसम बना हुआ है। अब आजकल जो मौसम है ना वो एक आइडियल मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। माशाल्लाह। तो अब जाते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। अब्दुल्ला की यूनिफॉर्म धो के खड़ी कर दिया शर्ट, अभी तो खैर उसने एक दिन ही पहनी है, उसकी शर्ट 2 है ना, तो हम एक दिन मतलब एक शर्ट 2 दिन पहनाते हैं उसको, पर किसी दिन ये करता है ना तंग करता है हमें, आता है यूनिफॉर्म उतारे बगैर ही खेलने लग जाता है, तो शर्ट बहुत गंदी कर देता है, तो फिर उस शर्ट को दूसरे दिन नहीं पहना सकते हैं। तो ये करता है कभी कभी। सब्जी वगैरह तो सारी काट ली है, बस अब चलते हैं किचन में और फिर बनाते हैं खाना। ये देखें फ्रिज ऑन है, इसका बटन ऑन है, देखें बत्ती जल रही है। और ये हमने तकरीबन 2 घंटे हो गए लगा दिया जी, लेकिन ना ठंडा नहीं हो रहा। आप हाथ लगा के देखें अम्मी अंदर, अभी लगा के तो गई हूँ बाहर से, कुछ हुआ देर में तो बर्फ बन जाती थी, कुछ हुआ ठंडा बिल्कुल नहीं हुआ। दिखा दूध ले आए और अब ये कहाँ रखे। अब्दुल्ला देखना हमारा फ्रिज नहीं ठंडा हो रहा। काके भाई कह रहे थे अब आपने आखिरी छुट्टी चल ली है, अब आपकी छुट्टियां बंद है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इनको सलाम नहीं किया, अस्सलाम वालेकुम, और पीछे होके करते हैं देखो। अल्लाह लड़का हमारी अरे कर गया था ये। अच्छा ये देखें सब्जी बनी पड़ी है, बस बनाते हैं खाना। सारे भुनी पे आ गए हैं, आज मैंने कहा मूंगरे में ये डालते हैं चिकन थोड़ा सा, चिकन भी डाल सर खिचड़ी बना रहे हैं। आलू भी अच्छे लगेंगे ना? हाँ सही, अच्छा लगता।
अच्छा हैं भी ज्यादा मूंगरे हैं। गोश्त पाव लिया और मूंगरे आधा किलो थे और एक पाव जितने आलू पर रखे हुए थे घर में, और वो जो सालन रखा हुआ है वो शुमाइला ने भेजा है, उसने इतने आलू मटर बनाए हैं। उन्होंने आलू मटर बनाए हैं। कोई भी सब्जी जब हम बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा भी गोश्त अगर डाल देना, एक पाव भी डाल देना, तो उसका जायका अच्छा हो जाता है। तो हम लोगों ने ना आधा किलो मंगवाया था चिकन, और फिर अम्मी ने कहा कि आधा इसमें डाल दो आधा रख दो, कल जो सब्जी बनाएंगे ना उसमें भी डाल लेंगे। तो हमने तो मतलब दिमाग में ही नहीं था कि फ्रिज तो चल नहीं रहा, तो फिर जब अब सोचा है कि भाई गोश्त कहाँ रखेंगे, अब तो फ्रिज भी नहीं चल रहा, तो अम्मी कह रही चलो नादिया के घर रख लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और मेरे ब्लॉग्स देखा करें। मुझे फुल सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, फुल वॉच किया करें। अम्मी की तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है, घर आया ना तो अम्मी ने फिर एक टाइम का खाना स्किप किया था तो फिर पेट ठीक हो गया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी की तबीयत ठीक है। लेकिन आज अम्मी थोड़ी परेशान है फ्रिज को लेकर, अम्मी को ज़्यादा ही टेंशन ले रही हैं। ये सारे काम वगैरह कर रखे थे, बाइक है तो वो नहीं चल रही, वो सलाम की है ना। अच्छा ऐसे दुआ सलाम, कोई और बात कह दो। गोश्त को भूनने के बाद सब्जी डाल दी थी तो थोड़ा सा पानी तो सब्जी का निकल आया, और मैंने एक कप पानी और डाल दिया था तो उसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया पकने के लिए, हल्की आंच पे पकता रहा। तो यहाँ पे अब सब्जी गल चुकी है अच्छी तरह से, बस एंड में उसको भून लिया है ठीक तरह से, यानी कि उसमें पानी वगैरह सारा खुश्क हो जाए और घी नज़र आने लग जाए, तो तब मतलब हमारा सालन जो है ना वो तैयार हो गया। और अच्छा खाना खाने के टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि भाई जैसे हम खाना खाने बैठे ना अब्दुल हाथ ने मोबाइल उठा लिया और फिर खाना खा लिया हम लोगों ने, बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाई, आप लोगों को इसकी फाइनल लुक ही नहीं दिखाई। खाना हम लोगों ने खा लिया तो अब मुझे याद आया मैंने आपको सालन का जो फाइनल लुक है वो तो दिखाया नहीं था, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये सालन हम लोगों ने खा लिया तो ये बच गया सुबह नाश्ते के लिए, तो इसको रख देते हैं, आज तो यहीं पर रखना पड़ेगा, अल्लाह करे सही पड़ा रहे खराब ना हो। हाँ जी हाँ जी अल्लाह करे ना ही हो। ये देखेंगे अम्मी लेटी हुई है, अब्दुल हल लेटा हुआ है बस सोने के लिए जी। आ जाओ अब्दुल अहद, अच्छा जी खैर से जाओ। बाय अल्लाह हाफिज, खैर से जाओ। मेरा बेटा जा रहा है स्कूल, अकेला ही जाता है क्योंकि इस गली से कोई बच्चा इसके स्कूल में नहीं जाता, दूसरे स्कूल में जाते हैं। क्या बात है, गुड वाली मॉर्निंग हो गई है जी। अब्दुल्ला हद को भेज दिया स्कूल तो अब हमारा 90% काम हो गया, अब अपना नाश्ता करते हैं। तो अम्मी कह रही कि आज चाय बना लो, साथ में मैं लेकर आती हूँ पापे चाय, पापे का आज नाश्ता करते हैं, थोड़ा रोटी नहीं पकाते आज, आटा नहीं गूंद के रखा हुआ। पहले तो ऐसा होता ना कि हम लोग रात को अम्मी आटा गूंदती हैं ज़्यादा, तो वो सुबह के नाश्ते के लिए भी रख देता है फ्रिज में, तो हमारा फ्रिज भी नहीं चल रहा। कल उसको हमने 3-4 घंटे चलाया लेकिन कूलिंग उसने इतनी सी भी नहीं की। मैंने हाथ के पापा को बताया तो वो कह रहे हैं अच्छा अभी तुम उसको बंद कर दो, मैं कल आता हूँ ना फिर मैं देखता हूँ उसको कि इसको क्या मसला हो क्या है, तो अल्लाह करे कि तो छोटा सा ही मसला हो और दोबारा से कूलिंग करने लग जाए, अल्लाह करे आमीन। तो बस अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ ही ले चलती हूँ किचन में, चलना है मेरे साथ किचन में, चले आपको भी चाय पिलाती हूँ। मैं जा रही हैं पापे लेने, चले मैं बनाती हूँ फिर चाय, और धूप अब आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये देखें
आज बड़ी अच्छी सुबह सुबह सर्दी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होएगी, बादल तो थे लेकिन अब बादल चले गए, धूप निकल रही है लेकिन मौसम अच्छा है, हल्का ठंडा। दूध मैंने सारा ही डाल दिया है, मैंने कहा आज दूध पत्ती पीते हैं। चीनी इसको ढक देते हैं, आज गैस भी कम है, कितनी देर में बनेगी चाय। जी आ गए, मिल गए पापे, पापे भी वो मिले छोटे छोटे दे। चलो सालन तो हमारा रखा हुआ, रात को जो मूंगरी और आलू बनाए थे ना, तो मम्मी कह रही हैं कि वो फिर ऐसा करते हैं दोपहर को रोटी बना के उसके साथ खा लेंगे, अभी ये चाय और पापे ही खा लेते हैं। ठीक है, चाय बन गई है, ये पापे और ये अम्मी। चल हाँ जी आ जाएंगे, इसलिए नाश्ता करना है। ये देखें ये पापे मिलते हैं यहाँ से, हमारे करीब जो दुकान है ना वहाँ से यही मिलते हैं। चले आ जाए जी नाश्ता करने, किसी ने करना है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और आज आहद के पापा ने आना है, चेक करेंगे वो कि फ्रिज को आखिर मसला क्या है। वैसे तो मतलब वो फ्रिज बनाते नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का काम वो जानते हैं, बिजली के जो बिजली से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो बना लेते हैं, लेकिन फ्रिज का मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो फ्रिज बना नहीं लेते, लेकिन कुछ ना कुछ उनको आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि भाई इसमें मसला क्या है। तो वो कह रहे थे कि मैं आता हूँ, मैं खुद इसको चेक करूँगा, पहले तो मेरी समझ में आ गया तो ठीक है, न वरना फिर किसी बनाने वाले को मैं ले आऊँगा और बनवाते हैं फिर इसको इंशाल्लाह, क्योंकि भाई हमारा रमजान आने वाला है तो फ्रिज बनवाना लाजमी है। बस अब तो आगे देखिए कम खर्चे वाला इसका कोई काम निकले, बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम ना निकले इसका। और हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, ये देखें काम शाम भी कर लिया है, किचन का भी और कमरे का भी काम कर लिया है। तो बस आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा आज मैंने एक कमेंट रीड किया था तो मैंने कहा इनका नाम मैं लूँगी, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन उनकी जो आईडी थी ना उनकी उसका नाम था फूड आइडिया सिंपल इजी। तो वो कह रही थी कि आप ही मेरा जो है ना इलाज चल रहा है कैंसर का, तो आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। तो आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सेहत दे, ज़िंदगी दे मेरी हमारी उस बहन को और जितने भी हमारे इस दुनिया में हैं लोग जो बीमार हैं, जो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे और उस बीमारी से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी मम्मी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं, कल अम्मी बस पूरा दिन फ्रिज की टेंशन लेकर अम्मी तो इतनी परेशान हो रही थी कि मुझे अम्मी को तसल्ली देनी पड़ी कि अम्मी कुछ नहीं है, खैर है, अल्लाह मालिक है, ठीक हो जाएगा, अगर ना भी ठीक हुआ तो इंशाल्लाह ठीक करवा लेंगे, आप इतनी परेशान ना हो। जो माँ होती है ना वो तो माँ होती है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा कभी आता है ना जब, तो फिर अम्मी और बहुत ज़्यादा उस बात की टेंशन ले लेती हैं। तो खैर बस माएँ तो ऐसी होती हैं ना, लगभग सबकी माँ को सलामत रखे, सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने पूरा ब्लॉग देखा उसके लिए थैंक यू दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह जी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।